Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your English class. Yesterday we started doing this exercise that was regarding time. Now what you have to do is solve this exercise. A is translate the following sentences into English. In sentences ko aapne English mein translate karna hai. For example, first sentence is 6 baje hain. 6 baje ki English kya hogi? It is 6 o'clock. Second is 10 baje hain. 10 baje ki English kya hogi? It is 10 o'clock. 4:30 baje hain. 4:30 baje hain ki English kya hogi? It is 4:30. Ya aap isko is tarah bhi likh sakte hain. It is 4:30. Theek hai? इसी तरह 2:15 बजे हैं 2:15 बजे हैं कि इंग्लिश क्या होगी इट इज 2:15 या आपको इस आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इट इज 2:15 या इट इज 2:15 ठीक है इस तरह आपने इन सारे सेंटेंस की इंग्लिश करनी है बी पार्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू इन सारे सेंटेंसेस को आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है जिस तरह आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसी तरह इन सेंटेंसेस को आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज 5 o'clock तो इसकी उर्दू होगी 5 बजे हैं सेकंड इज इट इज 3:30 तो इसकी उर्दू होगी 3:30 बजे हैं इट इज 3:30 मतलब 3:30 बजे हैं सेम सेंटेंस 2 टाइम्स लिखा हुआ है इट इज 1:45 1:45 मतलब 1:15 बजे हैं इसी तरह ठीक है इस तरह आपने इनकी उर्दू लिखनी है उर्दू ट्रांसलेशन करनी है दैट्स इनफ फॉर टुडे इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द फ्लाइंग मशीन We will meet again in our next class. Till then, keep listening, keep watching and keep learning. Thank you and Allah Hafiz.